आज जिले में इस बार समय से बरसात नहीं होने के कारण खेतों में सूखा पड़ने का संकट मंडरा रहा है। ऐसे इलाके जहां नहरों का पानी नहीं पहुंच पा रहा, वहां धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि किसान किसी तरह पंपिंग सेट के माध्यम से अपने अपने धान को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बेहाल है हम। ऐसे भी जब पानी पड़ ही नहीं रहा तो रुपए का जो भी मिल रहा है, तो पानी जब रोक दे रहे हैं तो फिर फट जा रहा है। सब दरार देखिए फटा हुआ है, इधर सब बेहाले हैं। अभी सब नदी पोखरा सब सूखा हुआ है, जानवर भी मर रहे हैं पानी पीने बिना। आखिर सरकार क्या कर रही है, पता नहीं, भगवान तो अपना कर रही है। अब होगा कुछ साधन लगाएंगे तब ना, आगे साधन हो ही नहीं, नहर आई नहीं, नहर भी खाना तो पानी नहीं दिया है। मन बुरा हालात है खेती किसानी का, क्योंकि दुर्गा जी जो परियोजना है पानी नहीं दे रहा है। बिजली के हालात किसान लोगों के लिए 8 घंटा ही सिर्फ बिजली मिलता है एग्रीकल्चर वाला, और बारिश को स्थिति वही है। इसका बोरिंग है थोड़ा बहुत रोपनी है, बीघा डेढ़ बीघा किया है, बाकी समय पता नहीं चल रहा है। हम लोग तक सब पूंजी लगा के ऐसी तरह क्या मतलब बेशुमार पड़े हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा।